पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था हम लोग कैसे नर्वस बीच गए, कहाँ से जा सकते हैं और कैसे जाएं, और हम लोग वहाँ पे घूमे थे, चाय भी पिए थे। तो वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है लुनाटिक वंडरर्स। और आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास जगह की, मतलब बहुत ही टेस्टी जगह के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे हमारा आज का ये सफ़र। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था कि कटक जो आप लोग अगर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आप लोग नर्वस ब्रिज की ओर जा रहे होंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा और आप लोग कैसे जा सकते हैं, वही सेम रास्ता है। तो मैं आज ये सब थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ और फिर हम लोग चलेंगे उस जगह में। रास्ते के दोनों साइड का व्यू तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज भी हम लोग वही शाम के टाइम ही गए थे क्योंकि शाम के टाइम ही नर्वस ब्रिज में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप लोग को उस खाने की जगह में भी जाना है तो शाम के टाइम ही सबसे अच्छा लगता है। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हमारा चैनल में जितनी भी सारी वीडियो दिखाई गई हैं अगर आप लोग का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब। सनसेट के टाइम यहाँ पे आना, यहाँ पे खड़े होके पूरा व्यू एंजॉय करना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग तो मैं कहूँगी ज़रूर आएं। आप लोग मतलब सनराइज़ के टाइम भी आ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, या फिर सनसेट के टाइम तो अच्छा लगता ही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने को आ गया है। तो चलिए आप लोग का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हम उस जगह में। तो ये है वो, मतलब फेमस तो नहीं कह सकती लेकिन यहाँ पे जो भी नर्वस ब्रिज में आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर ही आते हैं वो लोग खाने के लिए। और यहाँ का जो बोरा है और आलू चप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इनका बनाने का स्टाइल ही कुछ अलग है। और आप लोग वहाँ से नर्वस ब्रिज से जब सीधा आएंगे वहाँ पे पेट्रोल पंप होता है उसके आगे आप लोग को ये दुकान मिल जाएगा। और ये देखिए हम लोगों ने 3 प्लेट ऑर्डर किया था वहाँ पे, वो भैया उसमें आप जितना मांगेंगे वो तो देंगे ही, जितना बड़ा या आलू चौक आपको जो भी खाना होगा। और इससे मतलब स्पेशल इसका है कि ये सारे पाउडर जो मसाले हैं यहाँ पे लगाते हैं तो बहुत ही वही उसका स्वाद और जो उसकी खुशबू और भी बढ़ा देती है। और सारे पाउडर मसालों के बाद ये जो ये कटे हुए प्याज और ये मसालेदार भुजिया, मतलब आप लोग जो सेव कहते हैं वो डालते हैं। तो हमारा प्लेट तो रेडी हो गया है, मैं आप लोग को कुछ देर के बाद मतलब खाने के बाद ही बात करती हूँ। और खाना खाने के बाद पेट में थोड़ा सा जगह तो चाय के लिए बचाना ही पड़ता है क्योंकि चाय नहीं पिया तो और सब कुछ बाकी है। तो आज के लिए इतना ही हमारा ये वीडियो था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर और कैसा इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है तो आप लोग प्लीज़ बोलें। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।